नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। भारतीय राजनीति की एक अजब आदत है, वो बार बार अपने इतिहास की ओर देखता है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ता है और उस कारण नए नए प्रकरण सामने आने लगते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत के बारे में। संजय राउत ने एक कार्यक्रम में एक बयान दे दिया, बाद में शिवसेना के जो मुखपत्र है सामना में भी एक लेख छप गया जिसमें यह जिक्र हो गया कि इंदिरा गांधी कैसे करीम लाला एक मुंबई का डॉन से कैसे जेल में मिलने जाती थी। उसके बाद हंगामा मच गया, देश भर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। उसके बाद हम पत्रकारों को भी आप लोगों के सामने ये लेकर आना पड़ा कि कौन थे करीम लाला। आपको बता दें, अगर आपने ये फिल्म ध्यान से देखी होगी, जंजीर अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, उस वक्त सुपरहिट फिल्म, अब माना जाता है उसी फिल्म से अमिताभ बच्चन जो कहा जाता है एंग्री यंग मैन का जो कैरेक्टर है जो उनमें जच गया और उसके बाद बॉलीवुड में एक नए सुपरस्टार का उभार हुआ। आपको बता दें, जो उस फिल्म में कैरेक्टर था शेर खान का, प्राण का कैरेक्टर, वो कहीं ना कहीं करीम लाला से लिया गया था। जी हाँ, अब्दुल करीम शेर खान 1911 आपको अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव कुनार में जन्मे आपको अब्दुल करीम शेर खान। लेकिन काम के रोजगार के चक्कर में 1930 में, जी हाँ, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम होता था तब वो भारत आ गए और यहाँ पर आकर मुंबई के जो डॉक्स है उस पर काम करने लगे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा मन नहीं लगा। उसके बाद आपको बता दें, उस वक्त जो दौर था मारवाड़ी और आपको गुजराती पैसे देनदारों का, जो मनी लेंडर्स थे गुजरात के मारवाड़ के, वो पैसे लोगों को उधार में देते थे और उनसे जो लोग पैसे उधार लेते थे उनसे रिकवरी कर पाए, जो लोग पैसे नहीं लौटाते थे तो वो काम ये पठान करते थे। पठान कद में लंबे चौड़े होते थे, मारपीट करना जानते थे और वो पैसों के लिए काम देते थे। और वैसा ही एक पठान गैंग था जिस पर आपको अब्दुल करीम शेर खान मेंबर हो जाते। अपनी काम में कुशलता के कारण करीम लाला जो पठान गैंग है उसका लीडर बन जाता है और उसके बाद वो लगातार जो भिंडी बाजार है, जो मोहम्मद अली रोड है, जो आपको मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, डोंबिवली है, वहाँ से नए नए लोगों को अपने गैंग में शामिल करता है। और 60 से 80 का ऐसा दशक रहता है जो माना जाता है कि करीम लाला ने एक तरीके से मुंबई में राज किया। और आपको बता दें कि उसमें जो मुख्य काम थे वो आपको स्मगलिंग था ही, आपको हफ्ता लेना था, किडनैपिंग, मर्डर, और यहाँ तक कि जो मुंबई के जो पॉश इलाके होते थे, जो अमीर, जो मतलब फैंसी एरियाज, जिसकी ज़मीन के रेट ज़्यादा थे, जिसके मकान के रेट ज़्यादा थे, वहाँ से किराएदारों को, यहाँ तक कि मकान मालिकों को भी घर से निकालने का काम करते थे। उसके बाद बता दूँ आपको, एक दौर ऐसा आया जब वहाँ पर और भी डॉन्स उभरने लगे। आपको याद होगा, आपने एक फिल्म देखी होगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन ने आपको हाजी मस्तान का कैरेक्टर निभाया है। उसमें एक सीन है किस प्रकार से मुंबई को बांटा जा रहा है, तो उसी वक्त आपको करीम लाला भी नज़र आते हैं और वर्धराजन भी नज़र आते हैं। तो यहीं पर जब तीन बड़े गैंग वहाँ मुंबई में उभर आए तो हाजी मस्तान और करीम लाला और वर्धराजन के बीच में मुंबई को बांट दिया जाता है। लेकिन 80 के दशक में और नए गुंडों का उभार होता है, दाऊद इब्राहिम आते हैं, तो उसकी अलग एक कहानी है। उसके बाद क्या परिस्थितियाँ हुई अलग हुई, लेकिन आपको बता दें बॉलीवुड में भी इनका सिक्का जमता था। लगातार हाजी मस्तान बॉलीवुड से बेहतर संबंध बनाए रखते थे, लगातार दावत देते थे, उसमें लोग आते थे, यहाँ तक कि उनका अपना एक कोर्ट चलता था। हर शाम हाजी मस्तान अपने घर के बाहर, उनके घर में लोग आते थे जो अपनी समस्याएं लेकर आते थे और उसकी समस्याओं को सुनते थे और उसको सुलझाते थे। और कहा जाता है उसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं और मुस्लिम समुदाय के ही लोग नहीं, हर कौम के लोग आते थे, हर धर्म के लोग आते थे और हाजी मस्तान उसमें ये धर्म और कौम नहीं देखते थे। हर किसी की जो सुनवाई होती थी बराबरी सुनते थे और मामले को सुलझाते थे। आपको बता दें, यहाँ तक की खबर है बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि जज भी आते थे अपनी समस्याओं को लेकर। एक और बड़ी खास बात थी, जिस शाम आपको करीम लाला मौजूद नहीं रहते थे वहाँ उसकी जगह, उस जहाँ वो फरियाद सुनते थे वहाँ उनकी एक छड़ी रहती थी। ये तो बात अलग है, लेकिन 90 साल की उम्र में 2002 में करीम लाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा। अब लेकिन ऐसी परिस्थिति है राजनीति की कि आपको हम लोगों को ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, गुंडों पर ध्यान देना पड़ता है, क्रिमिनल्स पर ध्यान देना पड़ता है वापस जाकर, ना कि भविष्य जो भारत का है, जो हमारे राजनेता जो बार बार
वोट मांगते हैं विकास पर, लेकिन जब जब वो सरकार में आते हैं तो इस प्रकार के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और एक अलग प्रकार की राजनीति चलती है। हालांकि एक और कहानी है कि इस प्रकार से करीम लाला ने मुंबई के सड़कों पर दाऊद इब्राहिम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, वो भी एक छोटी बात है। मैं आपको बड़ी लंबी कहानी, लेकिन मैं आपको छोटी में सुना के ख़त्म करना चाहूँगा। 80 के दशक तक पठान गैंग और बाकी जो हाजी मस्तान जैसे लोग थे वो ये बात मानते थे कि परिवार और जो इनकी गैंग वॉर है वो अलग होती है, औरतों पे गोली नहीं चलाना, परिवार पर हमला नहीं करना। लेकिन खासकर जब दाऊद इब्राहिम आए तो उन्होंने इस रूल को तोड़ा था और इसको लेकर लगातार जो एरिया बटा हुआ था उसके बावजूद दाऊद इब्राहिम जो पहले हाजी मस्तान के गैंग में थे, बाद में अलग अपना गैंग बनाते हैं और किस प्रकार से हाजी मस्तान को वो उनके उस उनके जो पावर से उसे ख़त्म करके आबाद में खुद आ जाते हैं, तो वो बार बार आपको करीम लाला के एरिया में व्यापार करते थे और इसको लेकर हाजी मस्तान काफ़ी गुस्सा हुए। और एक बार की बात है कि मुंबई के सड़कों पर दाऊद इब्राहिम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। 1981 की एक और कहानी है किस प्रकार से दाऊद इब्राहिम के सगे भाई शब्बीर खान को किस प्रकार से करीम लाला के गैंग के लोगों ने मार दिया। हालांकि बाद में 1986 में दाऊद इब्राहिम ने भी इसका बदला लिया और वो करीम लाला के भाई को भी उन्होंने मार दिया। तो बॉम्बे की गैंगवार की अलग कहानी है, 90 के दशक बाद एक अलग दौर शुरू होता है, वो भी हम कभी आपके सामने लेकर आएंगे। लगातार अगर आप इस तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब कर लें।